तो इस वीडियो में बात करेंगे शारदा कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी की। और 539 रुपये का शेयर है, कौन से लेवल हमारे लिए बेस्ट हो सकते हैं, यहाँ पे कौन से लेवल पे बाइंग करके शॉर्ट टर्म में एक अच्छा प्रॉफिट ले सकते हैं। तो वीडियो को जरूर पूरा देखना, बिकॉज ऐसे ही कुछ प्रॉफिटेबल नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ। और यहाँ पे क्या लेवल है जो बेस्ट हो सकते हैं आपके लिए, मैं यहाँ पे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे पर शेयर ऑलरेडी 19 रुपये गिर चुका है, और अभी हमारे लिए क्या लेवल रहेंगे वो मैं आपके बताने वाला हूँ। और जैसे कि अगर यहाँ पे अगर हम अच्छे लेवल के लिए जाएँ तो यहाँ पे स्टॉक डिटेल्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज ऐसे ही प्रॉफिटेबल नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो यहाँ पे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ पे चलते दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, सॉरी। सो यहाँ पे मैं बात करूँ यहाँ पे दोस्तों साल के रिटर्न की, तो एक साल में दोस्तों -20% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं, जो ऑलरेडी 3 या 4% के रिटर्न तो आज के ही है। तो ये कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता है, बिकॉज अगर 1 ईयर के रिटर्न की बात करें -20 है, तो जिन लोगों ने 1 साल पहले बाइंग किया होगा वो थोड़ा सा माइनस में रहेंगे। लेकिन बीच में ऐसा टाइम आया था जब उनको सेल करने का टाइम मिला था, मतलब वो शॉर्ट टर्म अवधि होती है जहाँ पे आप बाइंग करके सेल करके एक अच्छा प्रॉफिट ले ऑलरेडी ले चुके होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है आपके लिए, मार्केट जो है एक गिरावट को लेके आपको वापस से एक प्रॉफिट या फिर बाइंग लेवल देते हैं। तो ऐसे बाइंग लेवल को समझना और कैसे शेयर को बाइंग करना वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक मल्टीपिकर अच्छा खासा शेयर है, तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म में पॉजिटिविटी है और लॉन्ग टर्म में भी काफ़ी अच्छी पॉजिटिविटी है। अगर यहाँ पे दोस्तों चले फंडामेंटल को लेके, तो फंडामेंटल क्या कहता है इस शेयर का, तो क्वालिटी करके गुड शेयर है, जहाँ पे 5 में से 4 अंक मिलते हैं, मतलब कि अच्छी बात है, बहुत अच्छा शेयर देखने को मिलता है क्वालिटी करके। और वैल्यूएशन भी इसका अट्रैक्टिव है, वही सेम क्वालिटी करके जैसे अट्रैक्टिव देखने को मिला है। और फाइनेंशियल ट्रेड भी थोड़ा सा फ्लैट देखने को मिला है, फ्लैट करके यहाँ पे आधा विश्वास आधा विश्वास नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर शेयर ऑलरेडी स्ट्रांग है तो फाइनेंशियल ट्रेड में कहूँगा कि स्ट्रांग ही है, आने वाले टाइम पे एक अच्छे रिटर्न्स की उम्मीद है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सेक्टर जो है एग्रोकेमिकल्स यहाँ पे देखने को मिलता है। और अगर हम बात करें मार्केट कैप का, तो 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है और 1 ईयर के रिटर्न -20 चल रहे हैं, तो अभी बाइंग करने का एक अच्छा मौका है। अगर हम बात करें दोस्तों इसके डिविडेंड की, तो 1.07% का डिविडेंड देती है, जहाँ पे पी रेशियो कंपनी का 14.6 आता है। तो ये ऐसा जो लेवल आपको देखने को मिल रहे हैं ये काफ़ी नॉर्मल है, और आने वाले टाइम पे एक अच्छे प्रॉफिट के लिए जा सकते हैं। प्रमोटर होल्डिंग 75% की है, तो एक अच्छी कंपनी की पहचान होती है एक प्रमोटर की स्टैक की, ठीक है। तो अगर हम बात करें FIIs की, तो FIIs ने यहाँ पर थोड़ा सा स्टैक कम किया है, म्यूचुअल फंड ने थोड़ा सा कम किया, लेकिन इंश्योरेंस ने 0.32% के हिसाब से बढ़ाया, DIIs ने भी 0.10% के हिसाब से बढ़ाया, तो जितना घटाया उससे ज़्यादा बढ़ा है यहाँ पे। और थोड़ा सा यहाँ पे मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स की बात करें तो यहाँ पे 0.06 के हिसाब से थोड़ा माइनस में है, लेकिन उसका कोई दिक्कत नहीं है, आने वाले टाइम पर ये तो बदलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। चार्ट पैटर्न पे आते हैं, चार्ट पैटर्न क्या कहता है इस शेयर के ऊपर, जहाँ पे अगर हम इस लेवल को देखें सरदार कॉरपोरेशन के, तो ये देखिए मैं यहाँ पे 3 मंथ के चार्ट पैटर्न की बात करूँगा। और हमेशा ही जैसा मैं कहता हूँ कि आपको लेवल टू लेवल बाइंग करना है, फर्स्ट और सेकंड लेवल, जो कि फर्स्ट बाइंग रहता है आपका एक लेवल पे जहाँ पे आप बाइंग कर रहे हैं, और उसके बाद नेक्स्ट लेवल रहता है जहाँ पे आप शेयर को सेल कर रहे हैं या फिर वापस से एवरेज कर रहे हैं। तो वो जो एवरेज या फिर सेल की बात है वो आपको समझना ज़रूरी है। यहाँ पे 3 मंथ का चार्ट मैं खोल चुका हूँ, मार्च के एंड की बात करूँ तो शेयर का प्राइस लगभग यहाँ पे 450 के आसपास ट्रेड कर रहा था, और लगभग ये शेयर उससे अभी तक नीचे नहीं आया है। और कारण भी ये रहेगा कि मार्केट ट्रेंड है, आप देख पा रहे हैं कि मार्केट काफ़ी टाइम से बढ़ रहा है, लगभग 2-3 महीने हो गए जबकि मार्केट जो है काफ़ी अच्छे लेवल पे टिक करके यहाँ पे देखने को मिलता है। और आज जो है तो इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है शेयर के अंदर, तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा जिस प्रकार से ये गिरावट देख पा रहे हैं आप, 100 लगभग 500 के आसपास शेयर चला गया था, और उसके बाद जो कुछ गिरावट के मौके आए, मतलब मार्केट गिर रहा था, तो उसी टाइम मार्केट के साथ ही शेयर का प्राइस जो है काफ़ी नीचे तक 430 तक चला गया था, जो कि ऑलरेडी कभी नहीं गया। तो 3 मंथ के हिसाब से ऐसा कुछ हुआ। और अभी जो हम बाइंग करने वाले हैं, जो फर्स्ट बाइंग हम रहेगा वो एक कंसोलिडेटेड लेवल पे रहेगा। कंसोलिडेटेड लेवल कौन सा है अपना, 475 रुपये। 475 रुपये एक बेस्ट लेवल आपके लिए हो सकता है, लेकिन फर्स्ट जो बाइंग रहेगा वो कौन सा रहेगा, अभी मैं कहूँगा कि फर्स्ट बाइंग और सेकेंड बाइंग क्या होता है आपको समझ में नहीं आएगा। फर्स्ट बाइंग ऐसा रहता है दोस्तों, फर्स्ट बाइंग में कहूँगा कि अभी 441 पे शेयर और 420 पे आपका पहला बाइंग रहेगा। थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा, पेशेंस के बिना कुछ नहीं है, वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए। जब भी आपको 520 के आसपास शेयर देखने को मिलता है आप वहाँ पे फर्स्ट बाइंग कीजिए। फर्स्ट बाइंग मतलब जितना आप शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जितना कैपिटल आप पैसे शेयर के अंदर लगाना चाहते हैं, उसका आधा यहाँ पे 520 में बाइंग कीजिए, ठीक है। अभी जैसे आपने 520 में बाइंग कर लिया, और मार्केट को अभी और गिर सकता है ऐसा कुछ पता नहीं होता है, मार्केट बढ़ रहा है, अगर बढ़ रहा है तो यहाँ से मार्केट अगर जाएगा तो 580 जाएगा, आपको ऑलरेडी वो शेयर ही एक अच्छा प्रॉफिट देके चला जाएगा।
लेकिन अगर यहाँ से गिरता है तो आप सोचोगे यार गलत प्रेडिक्शन दे दी और यहाँ पे गलत हमको प्रॉफिट बताया गया है। तो अभी जो गलत नहीं है वो आपका जो अमाउंट है वो मैं पूरा कभी भी लॉस में नहीं देना चाहता। तो सेकंड जो यहाँ पे बाइंग रहेगा वो यहाँ पे कंसोल करते लेवल जो अपना 480 या फिर 475 के आसपास बाइंग रहेगा, और उसके बाद शेयर में एक अच्छी रैली भी देखने को मिल सकती है और आप एक निश्चित प्रॉफिट कीजिए। ताकि मुझे लगभग पर शेयर 20 रुपये 30 रुपये प्रॉफिट लेना है और उसके बाद कुछ देखना नहीं है इस शेयर के अंदर, और लेना है तो एनी जो भी मैं अभी बेच रहा हूँ उससे नीचे ही मुझे बाइंग करना है, ठीक है। तो ये लेवल्स आपको समझने हैं, और जब भी पर शेयर आप अपना प्रॉफिट समझें लें तो आपको ध्यान रखना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें थोड़ा सा ये प्रॉफिट के लिए। ये उम्मीद रहेगी आपके। धन्यवाद।